थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी, थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद पानी में नहाना, एक नंबर। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। नए ब्लॉग में मैं आपका स्वागत करता हूँ, और आज है गोवा का डे 5। तो मोस्टली मैंने सारी चीज़ें कर ली है गोवा में, बस एक वाटरफॉल और बचा था जो कि बहुत फेमस है, दूध सागर वाटरफॉल। तो अभी हम फिलहाल वहीं पे जाएंगे। वैसे जाना तो चाहिए सुबह 8 बजे, यहाँ से निकल लेना चाहिए अपने होटल से, बट हम थोड़ा लेट हो गए। जैसे कि आपको पता है लास्ट डे हम वहीं पे थे, महाराष्ट्र चले गए थे, वो सारी राइड वगैरह करने, वाटर एक्टिविटीज़ करने, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया और हम लेट आए थे, तो हम सुबह उठ नहीं पाए टाइम पे। चलो कोई नहीं, बट अब जाएंगे और दूध सागर वाटरफॉल इन्फॉर्मेशन आपको सारी प्रोवाइड कराऊंगा। और तब तक के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, और जो भी आपको वीडियो में अच्छा पार्ट लगे उसे आप कमेंट ज़रूर कर देना। नाम है इसका तार गोला। चलो एक बना दो, कितने का है? 50 का है। तो एक बना दो ये। ये लोकल गोवा का ही है? नहीं, ये साउथ का है। साउथ गोवा या साउथ इंडिया का? ठीक है, बॉम्बे में भी मिल जाता है, बॉम्बे में, गुजरात। ये भी खाना, पूरा ही खाना है एक साथ? वो स्किन निकाल के खाएंगे तो आपको टेस्टी आएगा, स्किन के साथ में खाएंगे तो हेल्दी है, थोड़ा सा कड़वा लगता है। कैसा लग रहा है? पंजिम से है 80 किलोमीटर कम से कम यहाँ से, तो वहाँ पे हमें टाइम तो लगेगा, फिलहाल 2 घंटे दिखा रहे हैं। अगर आप नेट पे चेक करोगे तो 60 किलोमीटर है, बट रियलिटी में 80 किलोमीटर है अगर आप जाओगे तो। तो अभी हमने फिर उसके बाद 480 का पहले पेट्रोल डलवाया था, अभी भी 200 का हमने पेट्रोल डलवाया ताकि हम वहाँ तक पहुँच जाए, क्योंकि वो थोड़ा रिमोट एरिया भी है, वो गोवा और महाराष्ट्र के मतलब बॉर्डर पर ही है एक तरह से आप देखोगे तो। चलते हैं और पता करते हैं, मज़ा तो आएगा ही खैर, क्योंकि मैं जा चुका हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम गोवा आया था तो मैं गया था वहाँ पे दूध सागर वाटरफॉल, बट मैंने शूट नहीं किया था, बट इस बार मैं शूट करूँगा प्रॉपर इन्फॉर्मेशन के साथ। गाइस फाइनली हम दूध सागर पहुंच गए, मतलब अभी प्रॉपर नहीं पहुंचे, अभी हमें पार्किंग में स्कूटी खड़ी की है और उसके हमने 50 रुपीज़ अब पे किए हैं। अब इसके ऊपर ना यहाँ से ऑफ रोडिंग है, अब वहीं जा रहे हैं और टिकट वगैरह लेते हैं, फिर उसके बाद आपसे मिलते हैं। चलो चलते हैं, लेट्स गो।
जो भी है मैं आपको ऊपर जाके समझाऊंगा, अभी यहाँ से चल लेते हैं, यहाँ थोड़ी ऑफ रोडिंग है, थोड़ी चलते हैं अभी। गाइस जो इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको बाद में प्रोवाइड कर दूंगा, अभी यहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं है ना, और जो ये मोबाइल का कैमरा है वो शेक करेगा, तो मैं आपको बाद में बता दूंगा सारी चीज़। अभी फ़िलहाल इसका मज़ा लेते हैं वाटरफॉल का। ये है वाटरफॉल दूध सागर वाटरफॉल, और सब में मज़ा आ गया, अभी हम नहाएंगे भी इसके अंदर। सो गाइज मैं आपको थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ वाटरफॉल के बारे में। ये वाटरफॉल 4 लेवल में है, हम सबसे नीचे गए थे क्योंकि वहाँ नहाने की मतलब हमने सोचा मज़ा आएगा, और ठंडा पानी था बिल्कुल, और पूरा प्रॉपर वाटरफॉल था, तो मज़ा आ गया एक नंबर। मैं कहूँगा ये वर्थ है, थोड़ी ऑफ रोडिंग भी हो जाएगी, थोड़ी ट्रैकिंग भी हो जाएगी, और फिर उसके बाद पानी में नहाना एक नंबर। और इसका जो भी टोटल जो चार्जेस वगैरह जो भी लगेंगे वो मैं आपको नीचे जाके बताऊंगा पूरा प्रॉपर पार्किंग में अपने कैमरे के थ्रू। अभी मैं सोच रहा था थोड़ा इसका ले लूँ व्यू, अच्छा लग रहा है वैसे थोड़ा जंगल में आके, ये पूरा फॉरेस्ट है, और इसको गवर्नमेंट को पैसा भी जाता है फॉरेस्ट उसका। और हाँ गाइज मैं आपको एक इम्पोर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पर नेटवर्क बिल्कुल भी नहीं आते, ये बात ध्यान रखना, बस आप यहाँ पे फ़ोटो के लिए अपना मोबाइल यूज़ कर सकते हैं, और वही बेस्ट है। और यहाँ पे ड्रोन वगैरह सब कोई भी चीज़ अलाउड नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान से करना जो भी है। और वहाँ एक मेरे हिसाब से आप एक छोटा बैग लेके आना, वो ज़रूरत पड़ती ही पड़ती है,
ऐसा लगता है कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर पड़ती पड़ती है। मैं भी साथ में लाया था क्योंकि कल जो गए थे ना वहाँ गलती की थी और उसको हमने सुधार लिया आज, एक का बैग लेके और एक्स्ट्रा कपड़े लेके। चलो चलते हैं। गाइस मैं फाइनली पार्किंग में आ गया हूँ दूध सागर की, और मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। आपके टोटल जो खर्च होंगे वो होंगे 640 रुपीज़। जैसे कि आप यहाँ पे आ जाते हो गूगल के अगर मैप से आते हो तो 10 किलोमीटर ही पहले आपको पार्किंग करनी पड़ेगी, वहाँ से ऑफ रोडिंग स्टार्ट होगी। ऑफ रोडिंग आपको क्या है कि वहाँ पे एक काउंटर होगा, तो आप कोई भी बता दे आपको लोकल, तो उस काउंटर पे आपको जाना है और उनको अपनी आईडी देनी है, आधार कार्ड मान लो, तो आप उनको आधार कार्ड दोगे तो फिर वो आपको पूरा बता देंगे। आपको 640 रुपीज़ पे करने हैं, 500 आपको देने होंगे जो जिसमें आप जाओगे, जीप टाइप में आप जाओगे, बुलेरो में जाओगे, तो उसके आप 500 पर पर्सन है, वो शेयरिंग में जाती है, उसमें 7-7% अलाउड होते हैं, टोटल 3500 रुपीज़ होता है। देन उसके बाद आपको 100 रुपीज़ जैसे कि आप फॉरेस्ट में एंट्री होते हैं उसको देने पड़ते हैं, और 40 रुपीज़ आपको लाइफ जैकेट लेनी पड़ती है, वो कंपलसरी है, मना नहीं कर सकते। बस यही है, और उसमें मज़ा पूरा है। 9-10 किलोमीटर की ऑफ रोडिंग है, फिर उसके बाद 1-2 किलोमीटर का वो है आपको ट्रैकिंग करनी पड़ेगी, देन आप वाटरफॉल तक पहुंचोगे। और आपने मेरी वीडियो में देख ही लिया होगा वाटरफॉल कितना प्यारा है, और मज़ा ही अलग है उसमें वाटरफॉल का। तो प्लीज़ उसमें एक बार तो आपको, वन टाइम तो आपको जाना चाहिए जब भी गोवा हो। मज़ा है वाटरफॉल में नहाओगे वगैरह, मज़ा आ जाएगा। थोड़ा थकान तो हो ही रही है, पर अब यहाँ से 80 किलोमीटर वापस पंजिम जाना है। देखते हैं अगर हम जल्दी पहुँच जाते, अगर रात नहीं होती तो दोनों पालों में सोच रहा हूँ जाने की, और वो भी आपको दिखाता हूँ। चलो चलते हैं उसके लिए और मज़ा लेते हैं जर्नी का, लेट्स गो। सो गाइस डे 5 का एंड हो रहा है, और आज मैं बता देता हूँ आज मैंने क्या क्या किया। आज मैं सिर्फ दूध सागर वाटरफॉल गया, आपको भी पता है यहाँ से कितनी दूर है पंजिम से, 80 किलोमीटर जाना और 80 किलोमीटर आना, तो उसी में पूरा दिन लग गया। और उसके बाद फिर हम आ गए थे, तो उसके बाद मैंने दोनों पालों भी गया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई क्योंकि रात का टाइम हो गया था। तो ऐसी मैं इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ, अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ है, अभी टाइम लग रहा है उसे होने में। अब पता नहीं 2-2.5 साल से जो लोकल से बात की उन्होंने बताया 2-2.5 साल से हो रहा है, अब 6 महीने और लगेंगे फिलहाल तो अभी। और मैं बताना चाहूँगा एक और बात कि 4 बजे अगर आप यहाँ से वो जाते हो दूध सागर वाटरफॉल, तो 4 बजे आखिरी गाड़ी जाती है वहाँ पे, तो उसी हिसाब से अपना प्लान करना दूध सागर वाटरफॉल का। और एक और बात मुझे बतानी थी कि ये जो मैंने बताया था आपको वीडियो में कि गोवा और महाराष्ट्र के बीच में मतलब बॉर्डर पे है, बट ऐसा नहीं है, वो गोवा और कर्नाटक के बॉर्डर पे है, तो उसके लिए मैं सॉरी मांगता हूँ। और बस आज का इतना ही ख़त्म करते हैं, और कल मैं साउथ गोवा सोच रहा हूँ कि साउथ गोवा थोड़ा देखेंगे, क्योंकि अभी हम इस वक्त नॉर्थ गोवा में थे या साउथ गोवा गए थे तो सिर्फ एक आध चीज़ के लिए, अब जा रहे हैं हम साउथ गोवा कल, वो भी बीचेस देखने जो फेमस बीच है वहाँ पे, और वो आपको कल ही पता चलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में ही। सिंपल रहे, अच्छे रहे और मज़े लेते रहे, और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर देना ज़रूर। ओके टाटा, बाय बाय।